रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान मालिक का कहना है कि सुबह वह अपनी दुकान में साफ सफाई करने गया था, कुछ समय के बाद खबर मिली कि दुकान में आग लग गई है। आग लगने से दुकान में रखे फर्नीचर, मोबाइल फोन, LED जलकर खाक हो गई है। दुकानदार का कहना है कि लगभग 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मैं आया था यहाँ पर, मैंने दुकान खोल के झाड़ू लगाने के बाद मैं 10:30 बजे के टाइम यहाँ से बंद करके चला गया। उसके बाद 1 घंटे बाद मेरे पास मार्केट वालों ने फ़ोन करा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान से धुआं निकल गया है, जिसमें हम लौट के आए तो देखा तो सारी दुकान हमारी जल गई। ये तो शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बेचारा बहुत गरीब इंसान था, इन्होंने थोड़ा लोन वोन लेकर, इधर से कर्जा लेकर इतना अच्छा मोबाइल शोरूम खोला था, जिसकी वजह से इनका 5 या 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बहुत सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया कि आग बुझाने का, फिर फायर ब्रिगेड वाले भी आए तो तब तक आग बुझ चुकी थी, और हमें भी जब सूचना मिली हम भी तुरंत यहाँ मौके पर पहुँचे और इनको तसल्ली दी। आग बहुत भयानक रूप ले रही थी।